उत्तराखंड उधम सिंह नगर में कुछ दिन पूर्व डीबी भारती न्यूज चैनल द्वारा एक खबर चलाई गई थी, जिसका शीर्षक था तराई केंद्र वन प्रभाग की पीपल पड़ाव व बरहनी रेंज लकड़ी माफियाओं के निशाने पर। खबर प्रसारित होने के बाद वन विभाग हरकत में आ गया, जिसके चलते वन विभाग की टीम ने झाड़ियों में छुपा कर रखे गए खैर की बेस कीमती लकड़ी के 125 गिल्टे बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुखबिर ने प्रभागीय वन अधिकारी हिमांशु बंगाली को सूचना दी कि कुछ लोग खैर की लकड़ी काट कर उत्तर प्रदेश ले जाने की फिराक में है। इस पर वन क्षेत्र अधिकारी नवीन रौतेला सहित सुरक्षा दल टीम ने मौके पर जाकर झाड़ियों में छुपा कर रखे गए बेश कीमती खैर के 125 गिल्टे बरामद कर फरार हुआ। फरार आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। पकड़ी गई खैर की लकड़ी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए बताई जा रही है। 9 सितंबर को प्रातः 3 बजे के आसपास नौकरी की सूचना पर हम लोगों ने दलपुरा के पास करीब 125 नग जो है खैर के बरामद किए। ये जो खैर है ये लगभग 138 क्विंटल करीब कुल मिला के इसका वेट है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत जो है 7 से 10 लाख के बीच होगी। और ये अभी ये एक जांच हमारी जारी है कि माल कहाँ से आया और कैसे यहाँ पड़ा था, तो और ये इसकी हम जांच जारी है। और दूसरा ये है कि अभी ये इसमें अधिकतर माल जो है छिला हुआ, खैर का छिला हुआ पुराना माल भी है, नया माल भी है, मिक्स माल है। तो इसी बीच जो भी तस्कर हैं उनको पकड़ने की जो है उनके जांच मतलब पकड़ने के लिए हमारी तदबीर जारी है। और फिलहाल अभी कुछ नाम आए हैं जिसका हम खुलासा बाद में करेंगे, अभी जांच जारी है। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।